हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं ऋषभ अभिप्स एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 9 का डिस्कशन कर रखा था बच्चों स्टार्टिंग में, और एक नंबर का जितना क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया था। जो PIQs था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, वो डिस्कस तो कर लिए थे, और आपको बोला गया था लास्ट में कि कुछ होमवर्क देंगे और आपको करना है करके। उम्मीद है आप किए होंगे, मैं आंसर लास्ट में दे दूंगा वीडियो के। लेकिन आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कहा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रामबन चीज आने वाली है। आज का जो डिस्कशन है, क्या आने वाली है आज के डिस्कशन में, चलो चलते हैं डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप जो जानते हैं हमारा एग्जाम मिशन जो सीरीज है वो चल रहा है। आज हम बात करें कक्षा 10वीं विज्ञान की बोर्ड जो है आपका CG बोर्ड एग्जाम सीरीज वो चल रहा है, और बाकी अदर जो फैकल्टीज है हमारी टीम का वो आपके लिए पर्टिकुलर सब सब्जेक्ट में लगे हुए हैं। आप जाइए और जितना भी आपको जानकारी लेना है, जितना भी आपको डिटेल्स देखना है, और जितना भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें आप भेज भी सकते हैं, और पूरा डिटेल्स जो है जितना है आपको पा भी सकते हैं, और दिए गए नंबर में आप पूरा डिटेल्स और जान सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं बच्चों। तो चलो हम बात कर रहे थे क्या आज क्या डिस्कशन होने वाली है और क्या महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आज जो है महत्वपूर्ण चीज़ क्या है भाई, देखो इकाई 2 का चैप्टर नंबर 9 कौन सा भाई, चैप्टर नंबर 9 का 6 अंक वाले जो प्रश्न है उसके बारे में डिस्कशन करना चालू करेंगे। और वो क्या है, वो है आपका धातु एवं धातु कर्म के अंतर्गत आने वाले जितने भी 6 नंबर के क्वेश्चन है जो PIQs है उसका चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो कैसे दो दो नंबर के क्वेश्चन को जोड़कर 6 नंबर में दिया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई, लेट नहीं करते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ 2022 में पूछा गया था तीनों सेट में भाई, ABC में, मतलब रिसेंटली जो पूछा गया था वो क्वेश्चन क्या था देखो सर, धातु या अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर 3 अंतर लिखिए, संचारण किसे कहते हैं, संचारण से बचाव के 2 उपयोग लिखिए, और क्या देखो अथवा भी दिया है उसी साल में ही, अथवा में खनिज व अयस्क में 3 अंतर लिखिए, सक्रिय श्रेणी की परिभाषा लिखकर एक सर्वाधिक सक्रिय एवं एक सबसे कम सक्रिय धातु का नाम लिखिए। देखो ये इतना आया था आपके 2022 के क्वेश्चन पेपर में। अब मैं बता दूं मजेदार चीज, ये जो दिख रहा है धातु एवं अधातु में भौतिक गुणों में अंतर, ये जो है अधातु, जब पढ़ेंगे अधातु चैप्टर में जब जाएंगे हम लोग अधातुओं के रसायन में तब मैं इस पर डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरे चैप्टर का है, हालांकि इसी यूनिट का क्वेश्चन है भाई, तो जब अधातु के बारे में डिस्कशन कर लूंगा, थोड़ा बहुत MCQ वगैरह देख लूंगा, तो आपको चर्चा करा दूंगा इसके बारे में। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, इसको हम बाद में करेंगे, लेकिन ये इसी यूनिट के अंतर्गत आता है। इसी क्या भाई, ये दो भाई है इसमें, इस यूनिट में दो भाई है, धातु वाला अलग भाई है, दूसरा भाई क्या है अधातु वाला है। तो हम बात करते हैं धातु के, पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो धातु के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना भाई, फिर अधातु में चलना अच्छा है अपन को। तो देखो इसको मैं बाद में करूंगा, बोल दिया हूं। अब क्या बता है, संचारण किसे कहते हैं, अब संचारण किसे कहते हैं इसको जानते ही है, संचारण जंग लगना इसका सबसे सर्वाधिक क्या है, इसका एग्जाम्पल है, जबरदस्त एग्जाम्पल है। संचारण से बचाव के कोई दो उपाय लिखिए, पेंट कर देना, पेंट कर दिया जाता है, ये सब इसका उपाय है। खैर चलो इसका डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं, संचारण किसे कहते हैं इसका वो देख लेते हैं डेफिनेशन। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी तथा रासायनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि द्वारा धातुओं को धीरे धीरे नष्ट करने की जो प्रक्रिया है वही संचारण कहलाती है। जंग का देखो, जंग में देखो लोहे जो है जंग का रूप लेके, जैसे उसको जंग लगता है तो एक पपड़ी जमता है, वही क्या है, एक जबरदस्त एग्जांपल है। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कराया हूं बच्चों, आप बिल्कुल ना वीडियो अगर आपको देखना है, पूरे डिटेल्स देखना है तो हमारे ऐप में आइए और पूरा A to Z उसको समझाया मैं, कहां लोहा, कहां कील और कहां आल्पिन, सबका एग्जांपल लेके हम जो जबरदस्त तरीके इसका प्रैक्टिकली इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए मैं इसको जबरदस्त तरीके समझाया हूँ। हालांकि हाँ, अभी हम उस पर एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा बर्बाद हो जाएगा आपका। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फोकस करना है, हमारे इस जो मिशन चल रहा है उसमें वो जो कॉन्सेप्ट में आपको जाना है तो ऐप में आइए और पूरा देख लीजिए, टाइम रहे आपके पास तो, लेकिन अभी आपको तो इसमें फोकस करना है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था क्या, संचारण के बारे में बात कर रहा था, तो ये डेफिनेशन तो क्लियर हुआ होगा। अब उपाय क्या है, पेंट के माध्यम से क्या कर सकते हो, संचारण को दूर कर सकते हो, कैसे भाई। अब लोहा है, सबसे कॉमन एग्जांपल है लोहा है, जंग लग जाता है, संचारण हो जाता है, खराब होने लगता है, खिड़की सड़ जाता है, गल जाता है, मतलब सड़ गल नहीं, मतलब खराब हो जाता है, जंग लग जाता है, क्या करते हो, पेंट करते हो। हर दिवाली में पेंट किया जाता है लोहे के, किसको, लोहे के जितना भी दरवाजा है, खिड़की है, गेट को पेंट किया जाता है। क्यों करते, ताकि अच्छा दिखे ना, खूबसूरत दिखे आपका घर दिवाली के दिन, नहीं
वो भी रीजन है मान सकता हूं, लेकिन उसके पहले एक और अच्छा जबरदस्त रीजन है कि वो जो है जंग लगे हुए मत दिखे, खराब ना दिखे, इस कारण से उसको पेंट किया जाता है। तो संक्षारण को क्या कर सकते हैं भाई, दूर करने के उपाय है ये। क्लियर हुआ यहां तक बात समझ में आई? तो देखो मैं क्या बात कर रहा था, तो ये बड़ा नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो ये संक्षारण किसे कहते हैं, डेफिनेशन लिख देना, दो उपाय लिख दिए, कितने नंबर मिल गए जी, एक प्लस दो कितना मिल गया, तीन, बात खत्म हुआ। दो उपाय दे देना आप, आपको जो याद आता है जैसा रहता है उसको दे सकते हो। फिर खनिज व अयस्क में तीन अंतर लिखिए, खनिज क्या है, अंतर क्या है, खनिज और अयस्क, ये हर साल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, ये 2022 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, मैं भी और थोड़ी देर बाद आने वाला हूँ इस पर। तो ये जो है क्या है भाई, इसको मैं लास्ट मोर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, जब ये 2018 में पूछा गया था अलग से, तो उसमें और समझा दूंगा आपको। ये भी क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है, खनिज और अयस्क में अंतर तीन अंतर लिख रहे हैं, मतलब क्या, तीन अंतर लिखोगे तो आपको एक प्लस एक प्लस एक, एक अंतर में एक नंबर इसमें, एक नंबर इसमें, तीन अंतर में तीन नंबर मिल जाएगा। अब देखो छह नंबर का जरूर प्रश्न है, लेकिन देखो कितना प्रश्न मिल रहा है मुझे, चार प्रश्न मिल रहे हैं अलग अलग, कैसे, धातु या अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर तीन अंतर लिखिए, एक प्रश्न हुआ। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण से बचाव के कोई दो उपयोग लिखिए। देखो इसी प्रश्न को और घुमा के भी दिया जाता है, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण से बचाव के उपाय तो पूछ दिया, संक्षारक को प्रभावित करने वाले, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताइए, ऐसा भी पूछ देता है, है ना। तो देखो क्वेश्चन कैसे लेवल बढ़ता है भाई, है ना, छोटा सा क्वेश्चन जरूर है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन कैसे जा रहे हैं, क्योंकि ये पूछ कितना रहा है, राममान है, ये छह नंबर का पूछा जाएगा इससे, और छह नंबर का पूछा जाएगा, एक बार अच्छे से कॉन्सेप्चुअल ध्यान दे दिए, अच्छे समझ गए, छह नंबर पाने से कोई नहीं रो सकता आपको। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई बच्चों, समझ में आया। अब छह नंबर का है सर, आप सीरियसली बोल रहे हो, तो छह नंबर का ही तो सीरियस करा रहा हूं आपको, क्योंकि छह नंबर मिल रहे हैं, मतलब क्या, तीन क्वेश्चन के छह छह नंबर का, सॉरी दो क्वेश्चन के छह छह नंबर का, और एक पांच नंबर का दो क्वेश्चन कर दिए, कितना हो गया भाई, छह छह बारह, बारह दस बाईस, बाईस नंबर तुरंत मिल जाएगा, पीछे से जगह चालू करोगे क्वेश्चन सॉल्व करना तो। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखें, सकृत श्रेणी की परिभाषा लिखकर एक सर्वाधिक सक्रिय एवं एक सबसे कम सक्रिय धातु का नाम लिखिए। अब सकृत श्रेणी की परिभाषा देना है भाई, ये क्या होता है, सब तत्वों को एक समूह बना दिया गया, किसका जो रिएक्टिविटी है, किसका सक्रियता है, वो ज्यादा रिएक्ट करता है, उसका एक श्रेणी बना है तत्वों का, कहां से स्टार्ट होता है, वो लिथियम और पोटेशियम से स्टार्ट होता है, लेकिन जनरली लिथियम को नहीं लिया जाता, लिथियम के कुछ कुछ क्या होता है, उसके अपवाद हो जाते हैं, इसका हम शुरू में लेके चलते हैं पोटेशियम से, मैं डिफरेंशन बताना चाहूंगा इसका। तो देखो हमें पता चलेगा विभिन्न धातुओं को उनकी सक्रियता क्रम के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, है ना। सक्रियता श्रेणी मतलब जिसका जो क्वालिटी है, मतलब अगर बात करूं पेड़ा का, बात करूं मैं मिठाई की बात करूं, तो टॉप में सबसे ज्यादा चलने वाला चीज है, सबसे ज्यादा चलने वाला पेड़ा है, वो आ जाता है काजू कतली, क्यों, 800 रुपये किलो चलता है सर, 800 रुपया केजी। अब मैं बात करूं ये कौन है भाई, काजू कतली है, काजू कतली, आप जाओ मिठाई दुकान, कब, राखी समय में, रक्षाबंधन के टाइम में, राखी या फिर रक्षाबंधन बोल सकता हूँ, रक्षाबंधन में जाना या फिर जाना दिवाली में, देखना सबसे ज़्यादा चलने वाला कोई है, सबसे ज़्यादा डिमांड में कोई रहता होगा कोई मिठाई, तो वो है काजू कतली टॉप में। फिर उसके पास चलता है काजू कतली, खा लिए मुँह में पानी आ जाएगा, बिल्कुल खा सकते हो हाँ काजू कतली। फिर बात आती है कलाकंद की, अभी कलाकंद जो है ये भी मिलता है हमें 600 रुपये किलो, अब धीरे धीरे क्वालिटी रिड्यूस होता है, लड्डू की ओर जाते हो और लड्डू मिलता है आपको कितना भाई, 200 रुपये किलो। फिर लास्ट हम आता है सबसे अच्छा चीज़ अपना जो सस्ता मिल जाता है, सोन पापड़ी। अब ये सब के सब अपने ले लेते हैं सब लोग, ये दूसरे घर लेने के लिए क्या करते हैं, सोन पापड़ी को लेके दे देते हैं, ऐसी होता है ना भाई तो इसी प्रकार हमारा जो क्या है भाई, सक्रियता श्रेणी का क्रम है, सबसे ज्यादा क्वालिटी वाला रहेगा टॉप में। देखो क्या रहता है भाई, टॉप की बात करूं मैं तो देखो क्या है हमारा ये देखो पोटेशियम दिख रहा है बच्चों, पोटेशियम दिख रहा है, पोटेशियम से स्टार्ट हुआ है अपना श्रेणी, और कहां तक खत्म हुआ है जी, कहां तक खत्म हुआ है, देखो ये हुआ एजी एयू तक खत्म हुआ है। और अगर मैं धातु बस की बात करूं तो धातु में क्या दिख रहा है, धातु में लेड सबसे कम दिख रहा है, उसके बाद बीच में क्या दिख रहा है, पीबी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पीबी। देखो पोटेशियम सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रहा है,
है ना, लेकिन आंसर पूछ जाए तो क्या पूछना आपको देना है, लिथियम को सबसे सक्रिय माना जाता है, हालांकि टेबल में जनरली उसको बहुत कम लिखा जाता है ना, लेकिन लिथियम को क्योंकि उसमें अपवाद बहुत है लेकिन माना जाता है, तो आपको आंसर लिखना है तो लिथियम सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। उसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो सबसे निष्क्रिय क्या आएगा, एजीएयू और एयू को भी बोला जा सकता है, और एक और है मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, सक्रियता की श्रेणी को आपको याद रखना है बच्चों, क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो इस प्रकार हाँ ये देखो यहां धातु प्लेटिनम है, पीटी ठीक, सबसे सक्रिय धातु लिथियम है और सबसे कम सक्रिय धातु में प्लेटिनम है, क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। इससे देखो डेफिनेशन दे दिए, एक नंबर सक्रिय धातु का नाम ले दिए, दो नंबर और मिल गया, तीन नंबर मिल गया, क्या पता चला भाई ये जो है आपको पूरा तीन नंबर मिल गया, कहां से, यहां से, बस दिमाग लगाना है कितने नंबर क्वेश्चन है, कैसे डील करना है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, यहां तक तो समझ में आ गया होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर और जबरदस्त पार्ट है भाई। हाँ चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो कब पूछा गया था, 2020 में, देखो 2020 में क्या क्या पूछा गया था, जंग क्या है, जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, और जंग लगने से बचने के कोई तीन उपाय बताइए, ये भी कितने नंबर पूछ, देखो जंग क्या है बताने में एक नंबर मिलेगा, जंग के रासायनिक समीकरण लिखने पर दो नंबर मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा भाई आपको, तीन नंबर मिल जाएगा, किसमें, ये वाले क्वेश्चन में, बताओ मैं आंसर में आने वाला हूं। और जंग लगने से बचने के कोई तीन उपाय लिखोगे, तीन से ज्यादा आप चार भी लिख सकते हो, और चारों लिखोगे फिर आपको क्या मिल जाएगा, तीन के तीन नंबर इसमें, तीन नंबर इसमें। फिर देखूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या आया था, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस के संबंध में निम्न बिंदु पर बताइए, ये कहां का है भाई, ये है आपका अधातुओं के रसायन का प्रश्न है, जिसको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अधातुओं के रसायन का प्रश्न है, क्लियर, बात समझ में आई बच्चों यहां तक, इसको नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में इसको इसी क्वेश्चन को फिर लेंगे और यहां से डिस्कशन करेंगे। तो देखो अब जंग क्या है, अब बताओ जंग क्या है, ऐसी अवांछनीय परिवर्तन है ना, संचारण ही है ये, संचारण के कारण देखो क्या होता है, जंग जो है लगता है मतलब उसको लोहा को खराब कर देता है ना, लोहा को खराब कर देता है मतलब अवांछनीय है, हम नहीं चाहते फिर भी वो परिवर्तन होता है, तो ये क्या है, जंग लगने एक अवांछनीय परिवर्तन है, यहां तक बात समझ में आई। तो एक डेफिनेशन में देना है तो आप कैसे देंगे बच्चों, तो जंग क्या है बच्चों, एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन है जो क्या करता है, लोहे को नष्ट कर देता है, जो कि तत्वों को नष्ट कर देता है, ठीक है, ये बात समझ में आई, इसका डेफिनेशन और अच्छे से लिख सकते हैं आप, और साथ ही साथ पूछा गया है क्या, जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब समीकरण कैसा रहता है, आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो है विद्युत सेल की भांति काम करता है, क्या, जंग लगना क्या होता है, लोहा को पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में क्या होता है, जंग लगना चालू होता है, तो यही जो है एनोड और कैथोड के रूप में, जैसा कि विद्युत रासायनिक सेल में होता है वैसे ही होता है। रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो एनोड पर क्या होता है, आयरन क्या हुआ, लोहा हुआ, लोहा जो है दो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, फिर क्या बन जाता है, Fe2+ बन जाता है, ठीक है, फिर Fe2+ बनता है, फिर यहां पर पता चलता है कि जो जल है नमी के साथ ऑक्सीजन के साथ उपस्थित होकर क्या हो जाता है, मिलकर आपस में क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन और उधर का जंग तैयार है, लोहा तैयार है, अब लोहा और ये देखो इधर से ऑक्सीजन और नमी आपस में मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाए हैं, ये आपस में लड़ने के लिए तैयार है, जंग होने वाली है, और जंग होगा कैसे, आयरन का सॉरी ये हाँ आयरन और ये आपका OH2 जो मिलकर क्या बना देता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो कि सॉलिड अवस्था में रहता है। फिर क्या होता है भाई, ये स्टेप धीरे धीरे बढ़ता है, फिर विद्युत रासायनिक सेल की भांति ये काम करता है, फिर क्या होता है, इसका रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है, ये होता है भाई क्या, आपका जो है फेरस हाइड्रोक्साइड है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन का, मैं अगर हाफ अणु की बात करूँ है ना, हाफ मोल की बात करूँ, गैस अगर गैसीय अवस्था में लूँ और H2O के साथ रिएक्ट कराऊँ, क्या हो जाएगा भाई, Fe2O3 बन जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, जंग का सूत्र बोलते हैं। ये बहुत ही सस्ता तरीका और सरल तरीका से बताया हूं मैं आपको, पूरा डीप इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन में अच्छे से दिया हूं, ऐप में दिया हूं, और आप लेक्चर अच्छे से देख सकते हैं उसमें अगर जाए तो। लेकिन ये जो इतने रिएक्शन लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो ये जंग क्या है बता दिया, जंग के रासायनिक समीकरण बता दिया, इसको बाद में डिस्कस करना है। जंग लगने से बचने के कोई तीन उपाय लिखिए, बताइए भाई तीन उपाय, पेंट करना और
कुछ कुछ ऐसे स्टील है जिसका उपयोग किया जाता है, ये भी इसका यूज़ है, और क्या है उसका उपाय, और एक दो और उपाय है जिसको आप अच्छे से और देख सकते हैं। और अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी चलें तो हमें पता चलता है कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आता है, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों में के आधार पर समझाइए। देखो भाई प्रश्न देखो वो समझ में आएगा, लोहा कॉन्सेप्ट समझ में आया, जंग कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो हम बात कर रहे थे क्या हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए, 19 में पूछा गया था, 2019 में एबीसी सेट में पूछा गया है। क्या पूछा गया भाई, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण की जो विधि है उसको निम्नलिखित पदों में क्या क्या से, अयस्क का सांद्रण कोई एक विधि, अयस्क सांद्रण की कितनी विधि होती है, जो भी विधि हो सर उसका एक विधि बताना है आपको, ठीक है। ऑक्साइड का धातु में अपचयन का केवल रासायनिक समीकरण, देखो अब ये स्टेप बारी बारी जब पढ़ोगे तो और आपको समझ में आएगा ये क्या होता है और कैसे इसका स्टेप को कंप्लीट किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो मैं भी इसमें थोड़ी देर बाद आने वाला हूँ, इस पर तो चर्चा करूंगा इसमें अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2019 में पूछा गया है, ये 3 नंबर का, ये 3 नंबर का, मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ अभी। लेकिन देखो ये बात हुई कब की, 2019 में आया था, तो चांसेस है 2023 में आने वाले हैं, ये लिख के ले लो बच्चों, ये 2023 में आ सकता है, 2023 में आ सकता है, क्योंकि 19 में आया था ये और 20 में ये नहीं आया था, 21 में 22 में ये नहीं रिपीट किया गया था, लेकिन 2023 में आने के चांसेस 110% है, ठीक है। और देखो मैं 2018 में क्या पूछा गया था उस पर चलता हूँ, 2018 देखो खनिज एवं अयस्क में उदाहरण सहित अंतर लिखिए, इसमें भी पूछ दिया है क्या, खनिज एवं अयस्क में उदाहरण सहित अंतर लिखिए, जो कि 2022 में भी पूछा गया था। और क्या संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण से बचने के किन्हीं 3 उपायों को लिखिए, ये भी कब पूछा गया था, 2018 में। क्या है भाई ये देखा देखा लग रहा है, ये क्या है भाई, ये है रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब अभी 2023 में आने के चांस कम है, लेकिन तैयारी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अगर 2-2 नंबर करके 3 क्वेश्चन दे दिया, ये 3-3 दिया है, देखो 3 मार्क्स हमें दिया है, 3 मार्क्स हमें दिया है, टोटल 6 नंबर में दिया है, ठीक है सर। लेकिन अगर ये बात करें 2-2 नंबर में 3 अलग अलग दे दिया तो कैसे करोगे, इससे अच्छा तैयारी करना है भाई। हालांकि रिपीट हुआ है लेकिन तुरंत भी आया है, 2022 में भी आया है, 2023 में भी आ सकता है, आपको संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो हमारा जो रह गया था उस पर चलते हैं डिस्कशन पे, तो देखो स्लाइड लेना पड़ेगा मुझे, खनिज एवं अयस्क में उदाहरण सहित अंतर लिखिए, ये अपना डिस्कशन का पहला टॉपिक है, इस पर चलते हैं बच्चों। खनिज क्या है भाई, खनिज जो है आपको क्या मिलता है, पृथ्वी में जो मिलता है कंप्लीट, पृथ्वी में जो मिलता है पदार्थ जिसे निकालते हैं खोद कर वो कहलाती खनिज, उसमें पर्याप्त मात्रा में धातु नहीं पाया जाता क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ भी बहुत रहती है, वो हो गया क्या खनिज, ठीक है। खनिज जो है जिसमें धातु प्लस अशुद्धियाँ रहती है, ठीक है, धातु प्लस अशुद्धियाँ, ठीक है, पहला अंतर हो गया। और अयस्क क्या होता है, अयस्क जो है खनिज का ही क्या है भाई, खनिज का ही पार्ट है, खनिज को ही वो करके जिसमें धातु की ज़्यादा मात्रा मिलती है और प्रॉफिट की दृष्टि से सही रहता है उसको बोलते हैं क्या अयस्क, इसमें धातु की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, क्लियर, इसी के कण है इसको छात कर लिया गया है, अशुद्धियाँ कम रहती है, ठीक है पहला। फिर दूसरा क्या पता चलता है कि ये जो है ना धातु जो है सॉरी खनिज जो है क्या होती है, खनिज जो है अयस्क हो सकते हैं, कैसे, खनिज जो है सॉरी अयस्क नहीं होते, खनिज जो है सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते, अयस्क नहीं होते, किंतु इसमें क्या होगा अयस्क, सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं। क्या बात समझ में आई बच्चों, क्या बात समझ में आई कि सर सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ भी पाई जाती है और अशुद्धियाँ पाई जाती है धातु भी पाया जाता है लेकिन धातु की मात्रा कम रहती है ना, क्यों इसमें, लेकिन कंप्लीट इससे जो अयस्क निकलता है उस अयस्क में बात करूं तो उसमें धातु ज़्यादा मिलने के चांसेस रहता है, प्रॉफिट की दृष्टि से सही रहता है अयस्क। फिर ये होने के कारण मुझे समझ में आता है कि सभी खनिज को सभी जो क्या है आपके अयस्क है वो खनिज कहला सकता है, सभी अयस्क जो है खनिज होता है, क्यों समझ में आया, बात समझ में आई, 2 अंतर हो गया। और तीसरा अंतर की बात करूं ये क्या होगा, खनिज जो है अयस्क जो है, और तीसरा मैं उदाहरण भी दे सकता हूं, अभ्रक जो है खनिज वगैरह में आता है, अयस्क के अंतर्गत देखो लोहा बॉक्साइट है ना, लोहा बॉक्साइट हेमेटाइट ये सब क्या है लौह अयस्क में आ जाता है, ठीक है उदाहरण भी दे सकते हो, इस प्रकार आपके बुक में भी अच्छे से दिया गया है, 4-5 और एग्जांपल लेके आप डील कर सकते हो, जितना पूछा है उतना ही बताना ज़्यादा सही रहेगा, अगर आपको 1-2 एक्स्ट्रा और है तो उसको भी बता सकते हो बच्चों। तो देखो अब जो है हमारा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, हमें इसके निष्कर्षण पर जो है एक
डिस्कशन करना है किस पे, लोहे के निष्कर्षण पे, तो उसमें बहुत लंबा टाइम जाएगा बच्चों, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा आंसर इसका मिलने वाला है, भाग नंबर दो में हम इसका चर्चा करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, जो बच गया है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर, और एग्जाम सीरीज जो हमारा चल रहा है उसके बारे में तो बता ही दिया हूँ। बिल्कुल जुड़िए, शेयर कीजिए, अगर पसंद आ रहा है आपको तो हमें मोटिवेशन जरूर मिलेगा। आप बिल्कुल अपना हर वो एक्शन, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम मोटिवेट होते रहें बच्चों। आज के इतना करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद बच्चों।